अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है सब? ठीक है। जवान का प्रीव्यू आ चुका है। प्रीव्यू मतलब कि ट्रेलर ही आया। प्रीव्यू उसका एक फैंसी वर्ड है। सबसे पहली चीज़, इसको ट्रेलर बोलो, इसको प्रीव्यू नहीं बोलो, क्योंकि वीडियो लंबी थी। जहाँ अगली चीज़ हमारे पास आती है वो ये है कि जो भी था अच्छा था। अगली चीज़ हमें देखने को मिलती है वो है इसके ट्रेलर के ऊपर बात करना। ट्रेलर सीधे सीधे तरीके से बता रहा है कि हाँ, उसमें एंटरटेनमेंट तुम्हें मिलेगा, तुम्हें बस आना है, तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त किया जा चुका है। पर शाहरुख खान हमारे पास जो एसर के हैं, उनकी जो लुक है भाई, यकीन करो वो हैवी है, बहुत ही कोई हैवी किस्म की। जागली जी तरह के उसके करेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, नज़र आएंगे, जो कि इस चीज़ को फोरशैडो करता है कि हमें ट्रेलर के अंदर जो जो भी चीज़ें देखने को मिली हैं, वो एक टाइम पे सोल्जर रहा है, वो एक टाइम पे पुलिस ऑफिसर रहा है, और दामम्मी भी वही बना है, जो तुम कहीं ना कहीं कह सकते हो मून नाइट से रिजेंबल करता है। हाँ, मुझे एक चीज़ लगती है वो हमारे वाले ही एसआर के है जो पुलिस ऑफिसर था, लेकिन उसको दुनिया वालों को सीधा करने के लिए, या जो गलत लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, उनको सीधा करने के लिए उसको गलत ट्रैक पर चढ़ना पड़ा है, जिस चक्कर में तुम्हारी नज़र में तुम्हें ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि यार हमारा वाला एसआर के विलन बन चुका है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वाला ही एसआर के जो पुलिस ऑफिसर था, उसको कुछ इस तरह के स्टेप्स उठाने पड़े हैं, जिस चक्कर में वो विलन बन चुका है। वहाँ जो बाल्ड हो चुका है, गंजा हो चुका है, वो जो चीज़ है वो उसकी एक डिफरेंट फॉर्म हो चुकी है, एक अल्टीमेट फॉर्म। उसकी तुम दाढ़ी वगैरह देखो, उसकी मूछें देखो, वो वाइट हो चुकी है, मतलब कि वो पुराना वाला ही एसआर के है। लेकिन इस बार वो दोबारा कमबैक कर चुका है। उस बार जो लड़ाई हुई होगी ना आखिरी बार, उसमें वो सर्वाइव कर चुका है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन इस बार वो दोबारा कमबैक कर चुका है, एक अल्टीमेट फॉर्म में वो रिटर्न कर चुका है। और इस बार वो इसलिए आए ताकि वो कोहराम मचा सके, बवाल कर सके, आग लगा दे। हमें देखने को मिला है मेट्रो में सिर्फ उसको केओस मचाना है। वो डांस वगैरह तो कर रहा है, हमें तो एक पॉजिटिव चीज़ उसकी दिखाई गई है घर के अंदर, ऐसा दिखाया कि वो डांस वगैरह कर रहा है, मतलब कि उसकी एक जॉली सी एक पॉजिटिव साइड दिखाई है। लेकिन जो कोहराम, जो हंगामा वो उस मेट्रो के अंदर जो मचाने वाला है, वो चीज़ हमें ट्रेलर में देखने को नहीं मिली। यकीन करो मुझे ऐसा लगता है वो हमें मूवी में देखने को मिलेगा। अति ऐसी कास्ट, कास्ट में दीपिका पादुकोण एक स्पेशल अपीयरेंस देंगी, वो जो अखाड़े के अंदर लड़ाई कर रही है उसका। विजय सेतुपति देखने को मिलेंगे, उनकी ट्रेलर के अंदर दो फिल्म की अपीयरेंस देखने को मिली, लेकिन वो बहुत हैवी थी। बैकग्राउंड स्कोर ऐसा ऐसा पसंद आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब जो ट्रेलर था हमारा आस्ते आस्ते इसके ऊपर माइंड डाइवर्ट होगा और हम आधे ज़्यादा बातें इसके ऊपर करना शुरू कर देंगे। तो इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है हमें आस्ते आस्ते पसंद आएगा, यकीन करो। प्रीव्यू, फिर ट्रेलर आएगा, फिर कुछ आएगा, फिर कुछ आएगा, तो मतलब तुम कह सकते हो प्रीव्यू उन्होंने एक पहली चीज़ स्टार्ट करी। लेकिन तुम्हें एक चीज़ बताया, प्रीव्यू में जो कहानी हमें देखने को मिली, कहानी रश दिखाई जा रही है, मतलब कि जो भी दिख रहा है रश दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें कहानी समझ नहीं आनी चाहिए और वही सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कि तुम जो भी कर रहे हो वो एक्सपेक्टेशन है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है मूवी की कहानी कुछ और ही हो। यही था सब कुछ, तुम्हें कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। मुझसे पर्सनली मिलना है, मैं यहाँ मिल जाऊँगा, तब तक देखते रहो मसूद स्पीक्स। अल्लाह हाफिज़।